डियर स्टूडेंट वेलकम टू ऑक्सफोर्ड मालवा एकेडमी। आज हम क्लास 12 सब्जेक्ट बिजनेस स्टडी चैप्टर 8 कंट्रोलिंग, ठीक है, इसके अंदर हम आज करेंगे कि जनरल और ट्रेडिशनल टेक्निक ऑफ कंट्रोलिंग, मतलब कंट्रोल करने की टेक्निक कौन सी है, ठीक है, कंट्रोल करने की टेक्निक कौन सी है, कौन कौन सी टेक्निक है। तो सबसे फर्स्ट वाली टेक्निक इसके अंदर जनरल टेक्निक है, ठीक है, जनरल सामान्य ट्रेडिशनल पारंपरिक टेक्निक ऑफ कंट्रोल, ठीक है। फर्स्ट वाला पॉइंट है कंट्रोल बाय मोटिवेशन, कंट्रोल बाय मोटिवेशन, मतलब वर्कर्स को जो सुपीरियर होते हैं, जो सीनियर जो ऑफिसर जो होते हैं, वो अपने सब ऑर्डिनेट को मोटिवेट कर उन पर कंट्रोल कर सकते हैं, उनको मोटिवेशन देकर, उनको इंकरेजमेंट देकर, प्रेरित करके उनको उन पर कंट्रोल किया जा सकता है। तो ये एक जो एक जनरल एक ट्रेडिशनल टेक्निक होती है मोटिवेशन के द्वारा कंट्रोल करना, जिसके द्वारा कंट्रोल करना, मोटिवेशन के द्वारा जो कर्मचारी होते हैं उनको इस प्रकार से मोटिवेट किया जाता है जिनसे उनके मन में ज्यादा से ज्यादा काम करने की इच्छा जागृत होती है, वो मन लगाकर कार्य करते हैं, अपनी पूरी कैपेसिटी के साथ वर्क करते हैं, पूरा मन लगाकर वर्क करते हैं, तो उन पर क्या रहता है, कंट्रोल रहता है। यदि वर्कर्स को मोटिवेट नहीं किया जाता है तो वो कंट्रोल, उन पर कंट्रोल भी नहीं रहता, मतलब मन लगाकर वो काम नहीं करेंगे तो जो प्लानिंग है, प्लानिंग के अकॉर्डिंग वर्क नहीं हो पाएगा, और यदि उनको मोटिवेट कर दिया जाता है तो प्लानिंग के अकॉर्डिंग वर्क भी किया जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, कंट्रोल बाय ऑब्जर्वेशन, कंट्रोल बाय ऑब्जर्वेशन का मतलब क्या होता है, निगरानी करना, है ना, विश्लेषण करना, देखरेख करना, मतलब इसके अंदर किस प्रकार से कंट्रोल होता है ऑब्जर्वेशन के अंदर, कि इसमें जो वर्कर जो काम करते हैं वो जो सीनियर ऑफिसर जो होते हैं वो उनके टच में होते हैं, और जो सीनियर ऑफिसर होते हैं वो उनके वर्क को हमेशा देखते रहते हैं, उन पर नजर रखते हैं, जो वर्कर होते हैं उन पर क्या रखते हैं, नजर रखते हैं कि कौन कर्मचारी किस प्रकार से वर्क कर रहा है, ठीक है, और उनकी उनकी जो कमियां होती है, वीकनेस जो होती है उनको दूर करने के प्रयास करते हैं, है ना, वर्क करते करते हो सकता है किसी वर्कर को कोई जो है कि प्रॉब्लम आ सकती है तो उसकी प्रॉब्लम को दूर कर सकते हैं, इस प्रकार से कंट्रोल किया जा सकता है। तो कंट्रोल बाय ऑब्जर्वेशन, मतलब देखरेख करना, और इससे क्या होता है कि जब जो कर्मचारी होते हैं, जो वर्कर्स जो होते हैं, उनको ही लगता है कि मेरे कार्य का निरीक्षण हो रहा है, मेरे कार्य की देखरेख हो रही है, तो उनके मन में एक डर की भावना भी होती है, और उस डर से उनमें जो है कि कंट्रोल की भावना भी, अनुशासन की भावना भी स्थापित होती है, जिससे उनके ऊपर क्या रहता है, कंट्रोल रहता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है कंट्रोल बाय पॉलिसीज, पॉलिसी, कंट्रोल बाय पॉलिसी का मतलब क्या होता है, नीति बनाना, क्या करना, नीति बनाना, नीति बनाकर, पॉलिसी बनाकर, बिजनेस अपनी पॉलिसी बनाकर भी क्या कर सकता है, कंट्रोल कर सकता है, पॉलिसी बनाकर उस पॉलिसी का अकॉर्डिंग वर्क करता है, और उस वर्क करने के साथ साथ बिजनेस में क्या होता है, कंट्रोल भी होता है, पॉलिसी बनाकर कंट्रोल करना, ठीक है। बिजनेस अपनी पॉलिसी डिटरमाइन कर सकता है, निर्धारित कर सकता है, और उसके अकॉर्डिंग जब इन फ्यूचर में वर्क करता है तो उस पर क्या हो सकता है, कंट्रोल हो सकता है पॉलिसी के माध्यम से। ये कौन सी टेक्निक है कंट्रोलिंग की, ट्रेडिशनल और जनरल, बहुत ही ये दोनों जो मैटर है बहुत ही इंपॉर्टेंट मैटर है। नेक्स्ट क्या है, कंट्रोल बाय रिटर्न ऑर्डर्स, कंट्रोल बाय रिटर्न ऑर्डर्स, मतलब रिटर्न आदेश देकर, लिखित आदेश देकर, मतलब वर्कर को जो है किसी भी कार्य के लिए एक लिखित आदेश देकर उस आदेश के अकॉर्डिंग उनको कार्य करना पड़ता है, जिससे उन पर क्या रहता है, कंट्रोल रहता है, ठीक है। तो एक रिटर्न ऑर्डर देकर, लिखित आदेश देकर भी उन पर कंट्रोल किया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, कंट्रोल बाय डिफाइनिंग ड्यूटीज, कंट्रोल बाय डिफाइनिंग ड्यूटीज, मतलब उनके जो कर्तव्य डिफाइन कर दिए जाते हैं, उनकी जिम्मेदारी, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है कि सौंप दी जाती है कार्य की, उनके कर्तव्य डिफाइन कर दिए जाते हैं, और उस लिमिट में रहकर वो अपना वर्क करते हैं, जिसके कारण बिजनेस पर क्या रहता है, कंट्रोल रहता है, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है, कंट्रोल बाय डॉक्यूमेंट्स, डॉक्यूमेंट्स के माध्यम से, मतलब जो प्रपत्र होते हैं उनके माध्यम से भी कंट्रोल किया जा सकता है। तो ये कंट्रोल की क्या है, ट्रेडिशनल जनरल टेक्निक है। सबसे पहले वाला कंट्रोल मोटिवेशन के माध्यम से कर्मचारी को ज्यादा से ज्यादा मोटिवेट करके उन पर कंट्रोल किया जा सकता है। ऑब्जर्वेशन, मतलब निगरानी करके, देखरेख कर भी कंट्रोल होता है। यदि वर्कर के कार्य को कोई देखने ही नहीं आता है, उस पर कोई निगरानी नहीं रखता है, तो वर्कर आउट ऑफ कंट्रोल हो सकते हैं।
ठीक है, कंट्रोल बाय पॉलिसी, नीति बनाकर, रूल्स बनाकर भी वर्कर पर कंट्रोल किया जा सकता है। बिजनेस के कुछ रूल्स बना दिए जाते हैं, बिजनेस की कुछ पॉलिसियां बना दी जाती है, उसके अकॉर्डिंग वर्क किया जाता है, जिस पर जिससे कंट्रोल हो सकता है। कंट्रोल बाय रिटेल ऑर्डर, कंट्रोल बाय डिफाइंड ड्यूटीज और कंट्रोल बाय डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, ये क्या है, ये कौन सी टेक्निक है, ये जनरल ट्रेडिशनल टेक्निक मानी जाती है। ठीक है, इसके बाद स्पेसिफिक टेक्निक ऑफ कंट्रोल, स्पेशल टेक्निक। स्पेशल टेक्निक क्या है, सबसे फर्स्ट वाला पॉइंट है बजटरी कंट्रोल। कौन सा कंट्रोल, बजटरी कंट्रोल, इसको बजट कंट्रोल, बजटरी कंट्रोल कहा जाता है। तो इसमें किस प्रकार से कंट्रोल किया जाता है, कैपिटल बजट बनाकर, केस का बजट बनाकर, परचेज बजट बनाकर, सेल्स बजट बनाकर, एडवर्टाइजमेंट का बजट बनाकर, एक्सपेंसेस का बजट बनाकर, इनकम का बजट बनाकर, मतलब कुल मिला के सारी चीजों का बजट बनाकर बिजनेस के अंदर जो है कंट्रोल किया जाता है। ठीक है, प्रोडक्शन का बजट बनाकर, सारी चीजों का बजट बनाकर उन पर कंट्रोल किया जाता है। पहले जो भी कार्य होता है उसका एक बजट बनाया जाता है कि उसका उसमें एक्सपेंसिव कितना हो सकता है, उसका बजट बनाया जाता है, उसमें टाइम कितना लग सकता है, उसका बजट बनाया जाता है, पूरा बजट बनाकर उस बजट के अकॉर्डिंग उस पर वर्क किया जाता है। उस जिस प्रकार का बजट होता है उस प्रकार से उस पर वर्क किया जाता है। तो इससे बिजनेस पर क्या रहता है, कंट्रोल रहता है, इनकम एक्सपेंसेस पर कंट्रोल रहता है ना, जो फालतू एक्सपेंसेस होते हैं वो नहीं हो पाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, कॉस्ट कंट्रोल। कॉस्ट कंट्रोल क्या होता है कि इसके अंदर ये देखा जाता है कि जब वस्तु का जब प्रोडक्शन होता है तो उस पर खर्च कितना आ रहा है, उस पर एक्सपेंसिव कितने हो रहे हैं। तो कम से कम एक्सपेंसेस हो और उस प्रोडक्शन ज्यादा हो, कॉस्ट कम लगे, क्योंकि कॉस्ट यदि कम होगी, लागत यदि कम होगी तो प्रॉफिट क्या होगा, ज्यादा होगा। तो इसका मेन उद्देश्य यही है, कॉस्ट कंट्रोल का मेन उद्देश्य यही है कि कॉस्ट को कम करना है ना, कॉस्ट को कम करके प्रॉफिट में इंक्रीज करना, प्रॉफिट को क्या करना, बढ़ाना। कॉस्ट कुल मिला के इसके अंदर जो कॉस्ट होती है प्रोडक्शन, जो कॉस्ट होती है किसी वस्तु का जब प्रोडक्शन किया जाता है उसमें जो लगने वाली जो लागत होती है उसको कम करने का इसका मेन उद्देश्य होता है, मेन ऑब्जेक्टिव होता है। ठीक है, कॉस्ट कंट्रोल। नेक्स्ट है क्वालिटी कंट्रोल। क्वालिटी कंट्रोल क्या होता है, क्वालिटी कंट्रोल मतलब जब वस्तु की क्वालिटी, जो वस्तु का जब प्रोडक्शन होता है तो उसकी क्वालिटी कितनी है, कैसी क्वालिटी, कैसी उसकी अच्छी क्वालिटी का है कि खराब क्वालिटी का है, तो इस प्रकार से उसकी क्वालिटी पर भी कंट्रोल किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नेक्स्ट पॉइंट है अपना प्रोडक्शन कंट्रोल। कौन सा कंट्रोल, प्रोडक्शन कंट्रोल, कि इसके अंदर जो वस्तु होती है उसमें वस्तु का जो वस्तु का प्रोडक्शन होता है तो वस्तु का किस प्रकार से प्रोडक्शन किया जाए, उसकी मेथड क्या होगी है ना, और जिस प्रकार की आवश्यकता हो उस प्रकार से प्रोडक्शन किया जाए है ना, तो प्रोडक्शन पर कंट्रोल किया जाता है। ब्रेक इवन एनालिसिस, ब्रेक इवन एनालिसिस का मतलब क्या होता है, सेल्स का वो पॉइंट डिसाइडेड करना जहां पर वस्तु को सोल्ड करने पर ना तो लॉस होता है ना प्रॉफिट होता है, उस पॉइंट से यदि ज्यादा कीमत में वस्तु को सोल्ड किया जाता है तो फिर प्रॉफिट होगा, और उस पॉइंट से कम कीमत में वस्तु को सोल्ड किया जाता है तो फिर क्या होगी, लॉस होगी। मतलब इस कंपटीशन के जमाने में इस प्रकार का बिंदु तय कर लिया जाता है जिस पर ऐसा पॉइंट डिसाइडेड कर लिया जाता है जिस पर वस्तु बेचने पर, जिस मूल्य पर वस्तु बेचने पर ना तो प्रॉफिट होता है ना लॉस होती है, उस पॉइंट को ब्रेक इवन पॉइंट कहा जाता है, ब्रेक इवन एनालिसिस या ब्रेक इवन पॉइंट भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये डिटेल आपको बुक के अंदर मिल जाएगी, वहां से आपको अच्छे से लर्न करना। ठीक है, ओके, थैंक यू।